प्रेरणा कथा। दरी वापस भेजी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी देश के अलग अलग हिस्सों के दौरे कर रहे थे। इसी क्रम में वो एक बार चंपारण में थे। उनके अपने राज्य गुजरात से मिल मजदूर और किसान उनको बार बार अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। चंपारण में गांधी जी काम में बहुत व्यस्त थे और उनको जगह जगह पर जनसभाएं करनी थी, इसलिए वो गुजरात नहीं जा पाए। फिर एक दिन मजदूरों के नेता और एक बड़े व्यावसायिक घराने से संबंध रखने वाली अनुसुईया साराभाई के पत्रों के साथ खेड़ा के किसानों का बुलावा दोबारा आया। वहाँ सूखे और अकाल के बावजूद अंग्रेजी शासन लगान वसूली रोकने को तैयार नहीं था। सुहार कर गांधी जी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए और पटना से मुगल सराय के लिए ट्रेन पकड़ी। अपनी आदत के अनुसार गांधी जी रेल के तीसरे दर्जे में ही यात्रा करते थे। वहाँ काफ़ी भीड़भाड़ थी। गाड़ी के एक अन्य यात्री ने उन्हें पहचान लिया और वह उनको पंखा झलने लगा। गांधी के सचिव महादेव भाई भी साथ थे। उन्हें यह देखकर अच्छा लगा कि गांधी जी जल्दी ही सो गए। सोते समय गांधी जी का पैर किसी यात्री की दरी पर रखा हुआ था। उस यात्री के जब उतरने का समय आया तो उसे लगा कि अगर उसने दरी समेटी तो गांधी जी की नींद में खलल होगा। वह दरी वहीं छोड़कर अपने स्टेशन पर उतर गया। जब गांधी जी उठे और दरी देखी तो महादेव भाई से उसके बारे में पूछने लगे। एक मारवाड़ी वहीं पर बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा था। मुगल सराय स्टेशन पर उतरने से पहले उसने गांधी जी से कहा, ये दरी मुझे दे दीजिए ना, आप इसका क्या करेंगे? पर गांधी जी से कोई भी सामान वापस पाना आसान कहाँ था। गांधी जी मुस्कुराए और कहा, मैं तो इस दरी का ट्रस्टी हूँ, इस दरी के मुझे इसके मालिक को भी भेजना होगा। फिर मुड़कर उन्होंने महादेव भाई से कहा, दरी के मालिक का पता लगाएं और संभव हो तो यह दरी उन्हें वापस भिजवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।